तो कैसे है दोस्तों, 4 जून को जब इलेक्शन के नतीजे सामने आए तो देश भर के न्यूज चैनलों की हालत कुछ ऐसी थी। इंटरेस्टिंग ट्रेंड हमें मिल रही है, कर्नाटक से लीड सामने आ रहे हैं और भारत का थोड़ी मजा रखिए। हालांकि ये लोग भूल गए थे कि इलेक्शन की इस बेफालतू बहसों में उस दिन देश के 24 लाख से भी ज्यादा बच्चों के साथ एक बहुत बड़ा स्कैम होने वाला था। एक ऐसा स्कैम जिसने अब हमारे एजुकेशन सिस्टम को बिकाऊ और थर्ड क्लास होने के साथ ही एक स्कैमर की भी उपलब्धि दे दी है। तो क्या है ये नीट 2024 का पूरा स्कैम? कैसे पेपर्स को लीक किया गया? कैसे इतने सारे बच्चों ने टॉप कर लिया? एनटीए ने लॉस ऑफ टाइम के चलते जिन 1500 से भी ज्यादा बच्चों को कंपनसेशन यानी कि मुआवजे के तौर पर जो ग्रेस मार्क्स दिए हैं, उसके पीछे का असली सच क्या है और इन टेलीग्राम के ग्रुप्स पर किस हद का रायता फैलाया जा रहा है इस नीट एग्जाम और लाखों स्टूडेंट के भविष्य के साथ? तो इन सारे सवालों के जवाब एक आसान भाषा में आपको आज के इस एक विजुअल से मिल जाएंगे। तो अगर आपके फैमिली या आसपास में कोई बच्चा नीट या फिर किसी भी दूसरी एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है तो उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा ये विजुअल शेयर कीजिएगा, ताकि उन लोगों को पता चल सके कि जिस एग्जाम के पीछे वो 2-3 साल की कड़ी मेहनत करता है उसी एग्जाम की क्या हालत बना के रख दी है इन सभी लोगों ने। मोटे मोटे तौर पर कहा जाए तो इलेक्टोरियल बॉन्ड के पूरे स्कैम में कैसे छोटे बड़े कई सारे घोटाले शामिल थे, बिल्कुल वैसे ही इस नीट 2024 में भी कई सारे छोटे बड़े स्कैम शामिल है। लेकिन इन सभी की शुरुआत मई के महीने से हुई थी। 5 मई को एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने देश के 571 शहरों के 4750 सेंटर्स पर इस नीट यूजी 2024 की एग्जाम का आयोजन किया, जिसमें देश के बाहर फॉरेन की कंट्रीज के भी 14 सेंटर्स शामिल थे और कुल मिलाकर लगभग 24,06,000 रजिस्टर्ड स्टूडेंट्स ने इस एग्जाम को दिया था। लेकिन इसके ठीक एक दिन पहले यानी कि 4 मई को सोशल मीडिया पर एक रुमाल ढके हुए आदमी की वीडियो फैल रही थी और उस वीडियो में वो आदमी क्या कह रहा था उसको पहले आप जरा सुन लीजिए। एजेंसियां जो भी हो जो टेंडर ली होगी, लेकिन प्रिंटिंग अगर वहाँ हो रहा है तो नीट फिर भी सुरक्षित नहीं रहेगा इस बार, फिर फर्जी डॉक्टर भर जाएंगे। हालांकि तब एनटीए और बहुत सारे लोगों ने इस नीट पेपर लीक की बात को फेक बताया था, मगर 9 मई को गुजरात के गोधरा के एक नीट के सेंटर वाले स्कूल में वहां के एक फिजिक्स टीचर जो उस सेंटर के सुपरिटेंडेंट थे और उन्हीं के साथ दूसरे 2 लोगों की पुलिस ने गिरफ्तारी की, क्योंकि इन लोगों ने उस एग्जाम में बैठने वाले 6 स्टूडेंट्स के पास से 10-10 लाख रुपए लिए और बदले में उन स्टूडेंट्स को नीट में अच्छे स्कोर दिलाने का वादा किया। अब इन लोगों के बीच में कुछ इस प्रकार से समझौता हुआ था कि इन स्टूडेंट को एग्जाम देते समय वो सवाल को खाली छोड़ देना है जिसके आंसर उनको नहीं आते, और जब बाद में एग्जाम खत्म होगी तब वो टीचर इन खाली सवालों के सही आंसर्स को भर देंगे। इसके बाद ऐसा ही कुछ 11 मई को बिहार में भी सामने आया, जहां बिहार पुलिस ने नीट पेपर लीक के मामले में 13 अलग अलग लोगों की गिरफ्तारी की। पुलिस के अकॉर्डिंग इन लोगों ने 5 मई की एग्जाम से पहले 35 मेडिकल स्टूडेंट को नीट के पेपर्स दिए थे और बिहार पुलिस के इकोनॉमिक ऑफेंसेस यूनिट के इन्वेस्टिगेशन में पता चलता है कि इन दलालों ने स्टूडेंट के पास से इन पेपर्स के बदले में पर स्टूडेंट 30-50 लाख रुपए लिए थे। फिर ओडिशा पुलिस ने भी 7 मई को 3 लोगों को इस नीट एग्जाम के कॉपीकेट के आरोप में गिरफ्तार किया था। तो यहाँ पर कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि इस रिजल्ट से पहले भी इतना सब कुछ होने के बावजूद एनटीए बस इतना ही कह रहा था कि भैया नीट के पेपर के लीक होने की सभी खबरें निराधार है, हमारे पास इन हर एक पेपर का रिकॉर्ड है। तो क्या इन सभी राज्यों में हुए ये सभी पेपर लीक कोई तलाटी की एग्जाम के थे? कितना टच किया आप? 92 प्लस है। अच्छा, कोई क्वेश्चन हो जो आपको याद हो आप बताना चाहेंगे? कोई क्वेश्चन याद नहीं है, सेटिंग पे है। जो भी नजर में वो असली है, नकली है, ये तेरी हसल नहीं मोनोपोली। असली खेल तो नीट के रिजल्ट के डिक्लेरेशन के साथ शुरू होता है। 4 जून को हम सब लोग जानते थे कि इलेक्शन के रिजल्ट डिक्लेयर होने वाले हैं और ये बात एनटीए भी अच्छी तरीके से जानती थी। तो यहाँ पर नीट के रिजल्ट डिक्लेयर होने थे 14 जून को, मगर अचानक से यहाँ पर 4 जून को ही रिजल्ट डिक्लेयर किए जाते हैं, क्योंकि उनको पता था कि हमारे ये सभी घोटाले इलेक्शन के नीचे छुप जाएंगे। और वैसे भी देश का मीडिया इलेक्शन का तो दीवाना था ही, लेकिन जब दोस्तों नीट का ये रिजल्ट पब्लिश हुआ तो इस रिजल्ट को देखकर हर एक स्टूडेंट, उनके पेरेंट्स और ढेरों कोचिंग क्लास के सर और टीचर चौंक गए थे। यहाँ पे उन सब लोगों के दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा था कि हाउ इज दिस पॉसिबल, ये कैसे मुमकिन हो सकता है। मतलब कि 2019 और 20 के
के सालों में एक एक नीट के टॉपर पूरे इंडिया में थे। 2021 में 3 टॉपर थे, 2022 में 1 और 2023 में 2 टॉपर थे। मगर यहाँ पे तो भैया 2024 के साल में 56 स्टूडेंट्स ने नीट की इस एग्जाम में 720 में से 720 का स्कोर किया। तो अचानक से एक ही साल में इतने ज्यादा इंटेलिजेंट बच्चे कहाँ से आ गए? नो बट सीरियसली ये सवाल आपको भी आना चाहिए कि 2023 की कंपैरिजन में कुछ 1.5 लाख ज्यादा बच्चों ने इस बारी नीट की एग्जाम दी थी, मगर टॉपर तो 2023 की कंपैरिजन में इस बारी 66 गुना ज्यादा आए। सो अब यहाँ पर पिछले कुछ दिनों में जो भी ये सारे स्कैम्स और घोटालों की बात पब्लिकली अवेलेबल है, उन सबको एक एक करके बड़े ही सिंपल तरीके से हम लोग समझते हैं। सबसे पहले तो ये नीट एग्जाम का पूरा मार्किंग सिस्टम प्लस माइनस के मॉडल पर चलता है। मींस नीट के टोटल 180 क्वेश्चंस में से हर एक सही आंसर पर 4 मार्क मिलते हैं और हर एक गलत जवाब पर 1 मार्क माइनस होता है। यानी कि नॉर्मली गलत जवाब के 4 मार्क तो कटेंगे ही, बट यहाँ पे 1 मार्क एक्स्ट्रा कटेगा। तो यहाँ पर अब इन 67 टॉपर्स के अलावा 2 स्टूडेंट ऐसे भी थे जिनको 718 और 719 मार्क मिले थे। अब ये मार्क नीट के मार्किंग सिस्टम के मैथमेटिकल मॉडल के किसी भी एंगल से फिट नहीं बैठता है, क्योंकि अगर कोई बच्चा इन 180 सवालों में से एक का आंसर गलत बताता है तो उसके टोटल 4 मार्क प्लस गलत जवाब का 1 यानी कि टोटल 5 मार्क उसके कटेंगे, तो उसका स्कोर यहाँ पर 715 बनेगा। और अगर कोई बच्चा एक क्वेश्चन का जवाब नहीं देता है तो उसका स्कोर 716 बनेगा। लेकिन यहाँ पे तो भैया 718 और 719 के मैजिक नंबर दिए गए है, और इसके पीछे एनटीए का कहना है कि हमने कई सारे बच्चों को ग्रेस मार्क्स दिए है। और ये दोस्तों इस पूरे नीट के घोटालों का सबसे बड़ा घोटाला है जिसका आज बच्चे सबसे ज्यादा विरोध कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेनली 2 तरीके के मुद्दे हैं इन स्टूडेंट्स के। पहला तो ये कि इस साल इतने सारे टॉपर्स आने के पीछे की वजह एनटीए ने इस नीट एग्जाम के एक सवाल को बताया है। ये सवाल फिजिक्स सब्जेक्ट के किसी परमाणुओं के साथ जुड़ा हुआ है। दरअसल बहुत सारे बच्चों ने कहा कि इस सवाल का जवाब जो उन्होंने लिखा है वो 12th स्टैंडर्ड की पुरानी एनसीईआरटी की बुक में है, और वैसे भी नीट की प्रिपरेशन के लिए ज्यादातर बच्चों को उनके टीचर्स एनसीईआरटी की बुक्स को ही ज्यादा प्रेफर करने के लिए कहते हैं। मगर यहाँ पे गड़बड़ी ये हो गई कि पुरानी एनसीईआरटी की फिजिक्स की 12th स्टैंडर्ड की बुक और नई एनसीईआरटी की बुक के बीच में इस सवाल के अलग अलग आंसर्स थे, और इसीलिए यहाँ पर एनटीए ने इन दोनों आंसरों को सही ठहराया, जिसके चलते उन 67 टॉपर्स में से 44 स्टूडेंट तो सिर्फ ऐसे ही थे जिनको ये 720 में से 720 मार्क्स इस एक क्वेश्चन के ग्रेस मार्क्स की वजह से मिले है। ये तो चलो थोड़े हद तक कहीं ना कहीं वैलिड कहा जा सकता है, मगर दूसरा केस यहाँ पर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट और क्रूशियल है। अब कुल मिलाकर जो अभी तक पब्लिकली फिगर सामने आए है उसके आधारों पर मैं बताऊँ तो टोटल 1563 बच्चे ऐसे है जिनको नीट के एग्जाम सेंटर पर उनके एग्जाम के टाइम में लॉस होने की वजह से एक भरपाई के तौर पर एनटीए ने ग्रेस मार्क्स इन बच्चों को दिए है। लेकिन किन आधारों पर कितने मार्क्स आपने इन स्टूडेंट्स को दिए है इस पर एनटीए का सिर्फ एक ही बयान आया है कि हमने इन सभी ग्रेस मार्क्स को सुप्रीम कोर्ट के 2018 के नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला के आधार पर दिए है। अब मैं बताता हूँ आपको कि ये फॉर्मूला एक्चुअली में क्या कहता है। 2018 की क्लैट एग्जाम में एग्जाम देते वक्त कई सारे स्टूडेंट्स को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था जिसकी वजह से उनके एग्जाम टाइम की बर्बादी हुई थी, और फिर बाद में सुप्रीम कोर्ट के नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला के तहत इन सारे बच्चों को ग्रेस मार्क्स देने का फैसला किया गया। आप यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट को देखोगे तो ये पूरा कैलकुलेशन बहुत सारी अलग अलग चीजों को ध्यान में रखकर किया गया है। अब यहाँ पे तो कोर्ट ने क्लैट के एग्जाम के लिए ये ग्रेस मार्क का टेबल बनाया था, लेकिन इस नीट की एग्जाम के लिए एनटीए ने किस तरीके से इस फॉर्मूला का यूज किया है वो तो भैया इन्होंने अभी तक नहीं बताया है। सो यहाँ पे दिक्कत क्या आ रही है कि फॉर एग्जाम्पल एक जय नाम के लड़के ने इस नीट की एग्जाम में 500 का स्कोर किया और उसको इस एग्जाम में कोई टाइम का नुकसान नहीं हुआ था, मगर इसके सामने एक राज नाम के स्टूडेंट को एग्जाम में किसी XYZ कमी की वजह से टाइम का नुकसान हुआ और उसने इस एग्जाम में 450 का स्कोर किया। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि राज को यहाँ पर इस नॉर्मलाइजेशन फॉर्मूला का यूज करके 50 मार्क कंपलसेशन के तौर पर मिले थे, यानी कि अब जय और राज दोनों का स्कोर यहाँ पर इक्वल हो गया। अब ऐसे नीट जैसे एग्जाम के रिजल्ट
रिजल्ट अक्सर रैंकिंग सिस्टम पर चलता है और सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट के पेज नंबर 9 पर ऐसे केस को डिस्क्राइब करते हुए कहा गया है कि अगर ऐसी सिचुएशन आए जहां मान लो कि जय का रैंक टोटल बच्चों में 6000 आता है तो ऑब्वियसली यहां पर राज का रैंक भी 6000 ही आया होगा क्योंकि दोनों का स्कोर यहां पर सेम था। तो ऐसे केस में आप इन दोनों स्टूडेंट के रैंक्स को ए और बी नाम दे सकते हो, यानी कि इन दोनों स्टूडेंट का रैंक तो सेम रहेगा, बस उनके रैंक को 6000 ए और 6000 बी ऐसा लिखा जाएगा। इस 6000 रैंक के नीचे के बाकी जो रैंक आए हैं बच्चों को वो तो ऑटोमेटिकली एक रैंक नीचे चले जाएंगे क्योंकि यहाँ पे तो एक ग्रेस मार्क वाले स्टूडेंट को बीच में घुसाया गया है। और इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के तौर पर सुप्रीम कोर्ट के उस जजमेंट के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर नई सीटों को जनरेट करना पड़ेगा ताकि जो इस ग्रेस मार्क के नीचे वाले बच्चों के रैंक है वो पीछे ना चले जाए। अब इस बार तो एनटीए ने कितने सारे बच्चों को ये ग्रेस मार्क्स दिए हैं और वैसे भी मेडिकल कोटा में तो नई सीट को जनरेट करने का मतलब सहारा के रेगिस्तान को खोदकर उसमें से पानी निकालने जितना मुश्किल काम है। और यही इकलौता प्रॉब्लम है कि यहाँ पर कई सारे बच्चों के रैंक पीछे चले गए हैं लेकिन इस बात का कोई प्रॉपर सॉल्यूशन अभी तक एनटीए ने नहीं बताया। सभी बच्चों की रैंक यहाँ पर उथल पुथल हो गई है। फॉर एग्जाम्पल एक जोधपुर की रहने वाली नीट स्टूडेंट के पेरेंट्स बताते हैं कि उनकी बेटी को इस साल नीट में 696 मार्क्स मिले हैं मगर उसकी रैंक 2647वीं थी जबकि वो होनी चाहिए थी 450 से 550वीं पोजीशन की। इसके बाद एक और स्टूडेंट ने एक्सपर बताया कि उसका ये तीसरा अटेम्प्ट था नीट की एग्जाम में और उसको यहाँ पर 653 मार्क्स भी मिले हैं मगर उसकी रैंक दोस्तों 27000वीं थी। यानी कि टेक्निकली अब दोस्तों इस लड़के को किसी भी मेडिकल कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा और अब तो उस बच्चे ने अपनी लाइफ से भी हार मान ली है। सोचो किस लेवल का मेंटल प्रेशर वो भी झेल रहा होगा। फिर इसके अलावा कई सारे बच्चों के ओएमआर शीट्स के मार्क्स और उनके एक्चुअल नीट्स के स्कोर एक दूसरे से यहाँ पर मेल नहीं खाते। फॉर एग्जाम्पल एक 18 साल की अर्शिता देव की ओएमआर शीट में 384 मार्क्स थे जबकि उसके नीट के रिजल्ट में 308 मार्क्स थे, यानी कि 80 मार्क्स का यहाँ पर डिफरेंस था। फिर दूसरे एक 21 साल के मोहम्मद शोएब को ओएमआर शीट में 615 मार्क्स मिले जबकि उसके नीट के रिजल्ट में वो 605 मार्क्स थे, यानी कि 10 मार्क्स का डिफरेंस यहाँ पर था। मतलब कि किस हद के स्कैम्स इन्होंने इस पूरी एग्जाम्स में किए हैं। सभी जगहों से बस घोटाले ही घोटाले निकल रहे हैं। अरे जो 67 टॉपर्स आए हैं ना उसमें भी एक घोटाला है कि इस लिस्ट के आखिर के 62 से लेकर 67 तक के 6 बच्चों के रोल नंबर के पहले कोड को आप यहाँ पर देखोगे तो पता चलेगा कि वो सभी कोड यहाँ पर सेम थे। यहाँ पे कुछ लोग 8 बच्चे भी कह रहे हैं मगर क्योंकि 68 और 69वीं पोजीशन पर उन दो बच्चों के रोल नंबर तो सेम है बट उनको यहाँ पर फर्स्ट रैंक नहीं मिला है। सो अब यहाँ पर इन 6 के 6 बच्चों के सीक्वेंस भी सेम है और इन सब ने एक ही सेंटर से अपनी एग्जाम दी थी तो एक साथ ये 6 के 6 बच्चे एक ही सेंटर से कैसे टॉप कर सकते हैं ये भी एक सवाल लोगों का है। साथ ही साथ जो ये पूरी लिस्ट एनटीए ने पब्लिश की है वो फॉर्म वाइज है, मींस फर्स्ट रैंक के 67 बच्चों में से जिन्होंने पहला फॉर्म भरा था वो यहाँ पर पहली पोजीशन पर है तो यहाँ पर इन 6 बच्चों का फॉर्म भी एक ही साथ किसी एक ही आदमी ने भरा होगा। हालांकि अभी तक इस मुद्दे पर कोई भी काउंटर एनटीए ने अभी तक नहीं दिया है। और इन सभी के अलावा टेलीग्राम पर तो दोस्तों कुछ अलग लेवल का ही धंधा चल रहा है। इस नीट एग्जाम पर मैंने एक टेलीग्राम ग्रुप को देखा जिसमें अराउंड 14000 सब्सक्राइबर्स है और मोस्ट ऑफ दी स्टूडेंट ही इस ग्रुप का हिस्सा है। अब ये ग्रुप कितना सच है या कितना फेक है वो तो मुझे नहीं पता पर इसके सभी मैसेजेस को देखने के बाद दोस्तों मैं शॉक हो गया। इस ग्रुप के ओनर ने 3 मई को ही कह दिया था कि नीट के एग्जाम में पहले 150 स्टूडेंट जो टॉप करेंगे ना उन्होंने इसके पास से नीट के पेपर को लिए होंगे और ये इन सारे पेपर्स को बेचता भी है। यहाँ पे बहुत ही हार्ड वर्ड्स इस पूरी कॉन्वर्सेशन में इसने यूज किए थे और अब ये जो कोई भी इस चैनल को चला रहा है आई डोंट नो कि इसमें कितनी सच्चाई है या फिर कितना झूठ बट इसमें जो वो 14000 बच्चे इसको देख रहे हैं ना उसमें से 10-15 स्टूडेंट तो ऐसे होंगे ही जिन्होंने एक्चुअली में इस नीट की एग्जाम को 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद दिया होगा और ऐसे बच्चे इस ग्रुप में 10-15 नहीं बल्कि ज्यादा ही होंगे। और ये स्टूडेंट जब ऐसे मैसेजेस को पढ़ता है तो आप लोग ही जरा मुझे बताओ कि उनकी मानसिकता पर क्या असर पड़ता होगा। अरे उनके कॉन्फिडेंस की तो यहाँ पर धज्जियां उड़ गई होगी। और ऐसा ही यहाँ पर हुआ है। इस नीट रिजल्ट के डिक्लेयर होने के एक दिन के बाद राजस्थान के कोटा में एक 18 साल की लड़की बागीशा तिवारी जिसने इस साल नीट की एग्जाम दी थी उसने 9वीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली।
और ये दोस्तों कोटा में 2024 में हुई 10वीं सुसाइड है। अब इस बच्ची के सुसाइड के पीछे कौन जिम्मेदार है? क्या वो ग्रेस मार्क्स या फिर वो पेपर लीक या टेलीग्राम के वो हैवानियत भरे ग्रुप्स? आज दोस्तों पूरे देश भर के 706 मेडिकल कॉलेजेस में कुल मिलाकर 108,940 MBBS की सीट्स मौजूद है और इस साल के नीट के रिजल्ट में अप्रोक्सीमेट 13,16,000 बच्चों ने क्वालिफाई किया है। और अगर इस साल के नीट के रिजल्ट के बेसिस पर ये MBBS की सीट्स को फिलअप किया गया ना, तो एक बात तो 100% पक्की है कि उसमें 2 साल की कड़ी मेहनत के बाद भी क्वालिफाई किए गए रियल स्टूडेंट नहीं बल्कि NTA के ग्रेस मार्क्स वाले फेक स्टूडेंट ही उस सीट्स पर बैठेंगे। और इन लाखों बच्चों के भविष्य के साथ ऐसा खिलवाड़ ना हो, इसके लिए हमसे भी हो सके उतनी कोशिश हमें करनी होगी ताकि सरकार की आंखें खुले और वो इस पूरे घोटाले पर कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन ले। और मैं यहाँ पर आप सभी लोगों को भी कहना चाहूंगा कि इस विजुअल को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स और लोगों तक शेयर कीजिएगा ताकि उन लोगों को भी ये सारे घोटाले और स्कैम्स की असल बात पता चल सके। धन्यवाद।